Hello guys, welcome to our channel Juvenile Sport. Our today's topic is the Lenz law. Lenz law क्या कहता है? हमने पीछे किया था कि जैसे-जैसे flux change होगी, वैसे-वैसे EMF जो होगा वो भी induce होने लग जाएगा. अब Lenz law क्या कहता है? The direction of current. हमें पता था कि induced current हमारे पास आता है flux change होने की वजह से. अब जो induced हमारे पास current और EMF आते हैं, उसकी direction क्या होती है? Basically हम current की direction ही देखते हैं, EMF की direction हम नहीं देखते, ठीक है? तो current की direction जो हमारे पास आई है, वो क्या होगी? ठीक है? Lenz law ने कहा कि current की direction कुछ इस तरह से होगी कि अगर हम उसके पास कोई चीज लेके आ रहे हैं वो उसको अपोज करेगी. अब लेट्स से इस केस में हम मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट को हम इस कॉइल के पास लेके आए. अब अगर हम मैग्नेट को लेके आए हैं, मैग्नेट की ये वाली डायरेक्शन उसकी कॉइल की डायरेक्शन को अपोज करनी चाहिए. अब हम इसके पास ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन लेके आए थे. नॉर्थ रिप्रेजेंट्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड साउथ रिप्रेजेंट्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ये कॉइल की डायरेक्शन, करंट की जो कॉइल में डायरेक्शन है, कुछ इस तरह से होगी कि ये इसको अपोज करे. नॉर्थ होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसकी डायरेक्शन जरूर एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तभी इसको ये अपोज करेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन आ गई. इस केस में है कि ऊपर है, पॉइंट तो एक तरह से नॉर्थ की तरफ ही कर रहा है, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ से भी ऐसे देख लो, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन आ रही है. इस केस में हमने क्या किया, हमने पॉइंट ही साउथ मतलब कर दिया. तो साउथ मतलब क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तभी वो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये यहाँ से हमारे पास ऐसे क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन करंट की डायरेक्शन आ गई, और इसने डिफ्लेक्शन भी रिवर्स शो की, बिकॉज एक तरह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी. तो यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी रिवर्स होगी. तो लेंज लॉ ने कहा कि जो करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, दैट इट अपीयर्स टू बी वेरी कॉज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, वेरी कॉज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि वो कुछ इस तरह से होगी कि जिसके कारण हो रही है वो उसको अपोज करे. ठीक है, एक तरह से अपोज वाला कंसेप्ट आ गया. जैसे हम वर्क डन करते होते हैं उस केस में भी हम अपोज करते हैं. जैसे कोई फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट हम कोई काम करते हैं. एक तरह से कोई करंट इंड्यूस हो रहा था, करंट की अगेंस्ट कोई काम किया, तो एक तरह से वर्क डन वाला कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है ना, कि सिमिलैरिटी है. तो तभी लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि जो वर्क डन हुआ है ना उसके अगेंस्ट हमने काम किया, तो ये इसके अकॉर्डेंस में है, जैसे उसी का ही पार्ट है. इट इज इन अकॉर्डेंस, जो मतलब ये होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि हम किसी के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, वही लेंस लॉ ने किया कि किसी के अगेंस्ट कोई काम, यहाँ पे काम करंट को रेफर कर रहा है और यहाँ पे जो है वर्क डन है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन. लेट्स से अगर कोई फोर्स हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम कोई फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन और अट्रैक्शन लगाएंगे कि वो एक दूसरे को अपोज करे. ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन अट्रैक्ट मतलब उनमें होती है, और रिपल्शन और रिपल्शन में रिवर्शन होगी. ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि वो उसको अपोज करे. तो जब वो अपोज करेगी या तो वो दूर जाएगी या तो वो कॉइल के पास आएगी. तो ये जो वर्क हमने किया, तो हमेशा इस केस में ये जो वर्क है हमेशा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. अगर तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हमने सर्टन मैकेनिकल इन्फ्लुएंस डाला, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, तभी वो करंट जनरेट होना शुरू हो गया. ठीक है, पर ये सिमिलैरिटी इसी के बेस पे, लेंज लॉ एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, इसी के बेस पे हम आगे जो भी हमारी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे. इसको ध्यान से समझना, लेंज लॉ मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या होता है. करंट की डायरेक्शन हमने बतानी होती है, कुछ इस तरह से बतानी होती है कि ये जो जिसके कारण हो रही है उसको अपोज करे. ठीक है, ये एक तरह से अपोज करने वाला काम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी है, तो ये उसके अकॉर्डेंस में है. ठीक है, ठीक है. अब हमारे पास है कि क्वेश्चन है एक कि कितने वेज पे हम जो फ्लक्स हमारे पास एसोसिएट हुई है उसको चेंज कर सकते हैं. फ्लक्स अगर वो कॉयल है, कॉयल की एन टर्न्स होती हैं. वैसे तो हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो बी इंटू ए कॉस थीटा होता है, पर अगर वो कॉयल है, कॉयल एन टर्न्स ले रहा है, तो उस केस में हमारी जो फ्लक्स होती है वो एन बी ए कॉस थीटा हो जाती है.
तो ये तब चेंज करेगी अगर हमारी n क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगी तो हमारी फ्लक्स भी चेंज होगी. अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, b रेफर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो भी फ्लक्स चेंज करेगी. एरिया चेंज हो रहा है, लेट्स से हमारा एरिया डिक्रीज हो गया तो फ्लक्स भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी. थीटा इज एंगल, एंगल मीन्स ओरिएंटेशन, मतलब पोजिशन, किस पोजिशन पे जो कॉयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ी हुई है उस पर भी ये फ्लक्स डिपेंड करती है. ये आगे जाके बहुत क्वेश्चन आएगा कि फ्लक्स कब चेंज होती है ना. तो इसके फोर वेज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड ओरिएंटेशन. ठीक है, जब ये सारी चीजें चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगी. हमें पता है कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ भी चेंज होता है और करंट भी चेंज होता है. तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगी इन सारे फैक्टर्स के कारण, तो इन सारे फैक्टर्स के कारण चेंज होगी तो हमारे पास करंट भी चेंज हो जाएगा और जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी फैक्टर हमारा चेंज हो रहा है. ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.